हेलो एंड वेलकम टू मोनू मैम्स पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के मैरीगोल्ड बुक क्लास 1 यूनिट 7 के एक काइट पोएम को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पर है, अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A kite, learn and enjoy this poem। सीखिए और एंजॉय कीजिए इस पोएम को। I often see it and wish that I could be a kite up in the sky। मैं अक्सर बैठकर ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं एक काइट होता और ऊपर आसमान में उड़ता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो व्हिचएवर वे आई चांस टू ब्लो। और उड़ते रहता हवा के साथ और मैं उस तरफ मुड़ जाता जहाँ मुझे मौका मिलता उड़ने के लिए। बच्चों, यहाँ एक छोटा सा आप ही की तरह बच्चा हमेशा बैठकर यह सोचता रहता है कि अगर वह एक पतंग होता तो वह हवा के साथ ऊपर आसमान में उड़ता रहता। न्यू वर्ड्स, ब्लो। बच्चों, ब्लो मतलब उड़ना, जैसे बहना, हवा के साथ बहना, जैसे विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, उस तरह से यह है ब्लो। ब्लो मतलब बहना। ब्रीज, ब्रीज मीन्स ठंडी हवा। चांस्ड मीन्स मौका। काइट मीन्स पतंग। सीट मीन्स बैठना। लेट्स रीड, आइए पढ़े। आई कैन फ्लाई ए काइट, मैं काइट उड़ा सकता हूँ, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। आई लव टू सीट अंडर ए ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता हूँ। रीडिंग इज फन। What does the child wish to be? लड़का क्या बनना चाहता है? The child wishes to be a kite. बच्चा या लड़का एक पतंग बनना चाहता है। What does the child wish to do with the breeze? लड़का ठंडी हवा के साथ क्या करना चाहता है? The child wishes to ride upon the breeze and go whichever way he chances to blow. Bachcha hawa ke saath udna chahta hai. Let's talk. What would you like to be? Aap kya banna chahte hain? I would like to be a bird. Main ek chidiya banna chahta hoon. Imagine you are a bird in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you. Imagine कीजिए, मतलब सोचिए कि अगर आप एक चिड़िया हैं और आसमान में उड़ रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा अगर आप अपने सामने एक उड़ता हुआ पतंग देखेंगे। I would feel very excited to see a kite flying near me. मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर मैं अपने सामने एक उड़ते हुए पतंग को देखूंगा। से अलाउड, जोर से बोलिए। ब्राइट काइट, राइट साइड स्काई, कार्ट चांस, डांस फास्ट पार्ट। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड? क्या आपको इस तरह के साउंड वाले और भी शब्द पता है? बच्चों, अगर आप इस तरह के साउंड वाले और भी शब्द जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। लेट्स शेयर। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई? और भी कौन कौन सी चीजें हैं जो ऊपर आसमान में उड़ती हैं? तो बच्चों, आप लिखिए, डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बर्ड एक्सेट्रा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इफ यू हैड विंग्स,
Where would you fly? अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ उड़ते? If I had wings, I would fly over and over the rivers. अगर मेरे पास पंख होते तो मैं पहाड़ों के ऊपर उड़ता और नदी के ऊपर से उड़कर जाता. Dress on the rain patterns. बच्चों नीचे जो हमें रेन के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हमें डॉट 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 दिया गया है, वहाँ उसे हमें इस तरह से ट्रेस करना है. ठीक है, जितने भी डॉट्स हैं उनके ऊपर हमें इस तरह से ट्रेस करना है. ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कर लीजिएगा. यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो. कलर द पिक्चर्स. बच्चों जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है, दो विंडो से दो खिड़कियाँ है. एक है दिन वाली खिड़की जैसे कि डे स्काई, और एक है रात वाली खिड़की, इसमें लिखा है नाइट स्काई. यहाँ जो पिक्चर्स हमें दिया गए हैं, यहाँ जो हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, इससे हमें डे स्काई में कौन से पिक्चर होने चाहिए और नाइट स्काई में कौन सी पिक्चर होनी चाहिए, हमें यहाँ से उठाकर यहाँ पर चिपकाना है या फिर ड्रॉ करना है. यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रॉ करना है. ठीक है, जैसे कि नाइट स्काई, नाइट स्काई पे स्टार्स होते हैं, तो हमें यहाँ पर स्टार वाला पिक्चर यहाँ पर चिपकाना है. ठीक है, और रेनबो, रेनबो हमें रात में दिखाई नहीं देता है, रेनबो हमें दिन में दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर रेनबो वाला पिक्चर बनाना है. ठीक है, और मून, मून हमें रात में दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर मून वाला पिक्चर बनाना है. और यह है सन, सन हमें दिन में दिखाई देता है, तो हमें यहाँ सन वाला पिक्चर इस तरह से बनाना है. ठीक है, और फिर उस पर हमें कलर भी करना है. जैसा कलर यहाँ पर किया हुआ है वैसे ही कलर हमें हमारे खिड़कियों पर भी करना है. ठीक है, यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. बच्चों यहाँ पर हमें कहा गया है कि यहाँ पर जितने भी पिक्चर्स हैं वो सब हमें आसमान में दिखाई देते हैं, तो हमें इस इस बॉक्स के अंदर में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसे चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है. ठीक है, जैसे कि सन, ये है सन, हमें यहाँ पर सन लिखना है, SUN सन. इस तरह से ये है स्टार, तो हमें यहाँ पर स्टार लिखना है. ये है क्लाउड, तो हमें यहाँ से क्लाउड लेकर यहाँ लिखना है. रेनबो, हमें यहाँ पर रेनबो लिखना है. और मून, हमें ये मून को यहाँ लिख देना है. ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपने पोएम को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से कर लिया है. अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी.